पंजाब के माननीय राज्यपाल साहब बनवारी लाल पुरोहित जी, राज्यपाल हरियाणा जी, चंडीगढ़ के चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट मैडम किरण खेर जी, हरियाणा के डिप्टी सीएम और एविएशन मिनिस्टर छोटे भाई दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल विज जी और एविएशन सेक्रेटरी बांसल साहब, अधिकारीगण, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के पदाधिकारीगण और आप सब लोग, सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। आज 115वां जन्मदिन शहीद आजम भगत सिंह का मनाया जा रहा है। आज का दिन खास इसलिए हो गया कि आज एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर किया गया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरे से पहले बोलते हुए वक्ताओं ने शहीद आजम भगत सिंह की जंगे आज़ादी की बहुत सी यादें ताज़ा की। शहीद भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं थे, एक सोच थी, इंसाइक्लोपीडिया थे। जिस दिन वो किताब पढ़ रहे थे, फांसी थी जिस दिन अर्ली मॉर्निंग, किताब पढ़ रहे थे, जब उनको लेने के लिए, फांसी के तख्ते पर ले जाने के लिए सिपाही आया, तो उन्होंने उस किताब का पन्ना वहीं फोल्ड कर दिया कि आगे यहीं से शुरू करेंगे। ये जज्बा था उनमें। जिस उम्र में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, 23 साल की, महज 23 साल की, 22.5 साल की तीनों की उम्र थी। 23 साल की उम्र में आज का युवा अपने पिताजी से मोटरसाइकिल की मांग करता है, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, कहीं से भी ला के दो। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह उस समय 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से मुल्क की मांग कर रहे थे कि हमारा मुल्क छोड़ के चले जाओ, हम इस देश के मालिक हैं, हम अपने देश को खुद चलाएंगे। ये फर्क है। उनके नाम पर बहुत देर से ये मांग उठ रही थी कि शहीद भगत सिंह जी के नाम पर यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी से मीटिंग हुई, हमने लेटर बनाकर एविएशन मिनिस्ट्री को भेजा, पर्सनली भी मिले, जैसा कि दुष्यंत जी ने कहा, इतनी जल्दी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मांग पूरी की कि 28 सितंबर आज का दिन है। हमने यही किया था कि सर 28 सितंबर को उनका जन्मदिन है, अगर उससे पहले अनाउंसमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतनी जल्दी इस मांग को पूरा किया और उस मांग पर अमल करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। यहां से दुबई और शारजा के लिए फ्लाइट्स हैं, जैसा कि वीके सिंह जी ने कहा, देश के लिए तो बहुत सी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। ये चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसको देखने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं और चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। हर फैसिलिटी मौजूद है। हरियाणा ने भी बहुत तरक्की की है, पंजाब ने भी, मोहाली में बहुत तरक्की हो रही है। अगर यहां से, क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिसकी फ्रेंचाइज है, वैनकूवर में भी कनाडा में एक पंजाब बसता है, टोरंटो में पंजाब बसता है, कैलिफोर्निया में 2-3 पंजाब बसते हैं, शिकागो, लंदन, न्यूयॉर्क, उसमें भी पंजाब बसते हैं,
अगर हमारी केंद्र सरकार हमें अनुमति दे दे, यहाँ से सीधा लंदन, यहाँ से सीधा शिकागो, यहाँ से सीधा सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट शुरू हो जाएं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका जो 18,000 का आंकड़ा है उसके पीछे 2 या 3 जीरो लगानी पड़ सकती हैं, इतने ज़्यादा पैसेंजर हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। तो आज खुशी का दिन है, जब खटकड़ कला में उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट हुई तो उनके जद्दी गांव खटकड़ कला में और पंजाब में पटाखे फोड़े गए, लोगों ने खुशी मनाई। और जो कौम अपने शहीदों को याद रखती है वो कौम कभी किसी से हारती नहीं। अपनी जड़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जी का एक शेर है, अक्सर पढ़ा करते थे कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जिन्होंने अपने वतन की सरजमी को महबूब बनाया उससे बड़ी उदाहरण कोई हो नहीं सकती। जिस दिन जब असेंबली में बम फेंकने की लिस्ट बनी तो उसमें उनका नाम नहीं था, भगत सिंह जी का नाम नहीं था। भगत सिंह जी ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसमें नीचे अपना नाम लिख लिया, तो नौजवान सभा पार्टी जो थी उसके प्रधान थे चंद्रशेखर आजाद जी, वो गुस्से हुए, नाराज हुए कि ये क्या किया, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, यहाँ गिरफ्तारियाँ देनी है, अगर तुम वहाँ पर गिरफ्तार हो गए तो जो लाहौर ले जाकर फांसी लगा देंगे, 302 के मुकदमे चल रहे हैं। तो भगत सिंह जी ने कहा, पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पकड़ा जाएगा, लाहौर ले जाया जाएगा, लेकिन आप देखो इन सब में अंग्रेजी कौन बोलता है, सिर्फ मैं। पकड़ के लेके जाएंगे, हम वकील नहीं करेंगे, हम खुद अदालत में लड़ेंगे अंग्रेजी में, वहाँ प्रेस आएगी, अंग्रेजी अखबारों में हमारी बातें उभरेंगी और आज़ादी की जो मूवमेंट है थोड़ी सी वो ठंडी पड़ी है वो और ऊपर उठ जाएगी। फांसी होगी कोई बात नहीं, लेकिन हम लंबे से लंबा इस मुकदमे को खींचेंगे। इसको बोलते हैं लीडर, लीड करना, खुद आगे लगना। तो ये भगत सिंह जी की सोच थी। आज उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा कि हाँ हमारे देश के जो प्रशासक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो हमें याद कर रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं होता घर से निकल के देश के लिए कुछ काम करना, चंद लोगों के हिस्से में ही आता है ऐसा नसीब। राजगुरु महाराष्ट्र के थे, पूना के थे, वो कुछ लिखते नहीं थे, भगत सिंह तो बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल भी लिखते रहते थे, तो वो मजाक करते रहते थे आपस में राजगुरु को कि तुम तो कुछ लिख नहीं सकते। राजगुरु ने कहा मैं कभी लिखूंगा, और कोई ना कोई आदमी उसको आज़ाद भारत में स्टेज पर उस शेर को पढ़ेगा। तो नहीं लिख पाए, फांसी का टाइम भी आ गया, कहते कब लिखेगा, कहते लिखूंगा। जिस दिन फांसी थी उस दिन सुबह जगाने आए 3:30 बजे, तब भी उन्होंने पूछा राजगुरु कब लिखेगा। तो राजगुरु ने, एक सिपाही है तो भारतीय था लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट में काम करता था, उससे कहा जरा एक कोयला ला के दे दे, कुछ लिखना है। उस भारतीय ने कहा चलो कुछ लिखना होगा, आखिरी समय है। उसने कोयला ला के दे दिया, लाहौर की सेंट्रल जेल के दीवार पर राजगुरु ने पहली और आखिरी लाइनें लिखी। उसके आधे घंटे बाद उसको फांसी हो गई। राजगुरु जी ने क्या लिखा, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। इतना लिखा, आधे घंटे में फांसी हो गई। ऐसे शहीदों को याद करना हमारे लिए खुशकिस्मती है, वो तो बहुत ही बड़े थे, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उनके पढ़े हुए, उनके लिखे हुए, उनके किए हुए, उनकी सपनों की आज़ादी और उनके सपनों को साकार करने के लिए हमें कुछ मिली है, कोई ताकत। तो हम युवाओं को भी यही अपील करते हैं कि अपने आप को भगत सिंह की जगह रख के देखना, अगर हम उनकी 0.01% भी कदम चिन्ह पर चले जाएं तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं एक बार फिर केंद्र सरकार का और के पंजाब और हरियाणा की। हमारी जो कोशिशें थी चंडीगढ़ की, वो कोशिशों को भूराया और आज शहीद भगत सिंह के नाम पर इस
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया। मैं चाहूँगा दो नारे भगत सिंह जो अक्सर लगाया करते थे उनके नाम पे लगाए जाएं, ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले। है कोई जिन्होंने हमारे इनकलाब वाला दिया अभी बुझने नहीं दिया, उस दिए में भले ही हमें तेल की जगह अपना खून देना पड़े, लेकिन इनकलाब का दिया बुझने नहीं देंगे। इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद।